अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर व्लॉग एपिसोड 5। फ्रेंड्स, आज हम लोग पहलगाम से गुलमर्ग जा रहे हैं। पहलगाम से गुलमर्ग 130 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गुलमर्ग के खूबसूरत रास्ते पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 6, हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। फ्रेंड्स, आप ये जो फील्ड देख रहे हैं ये गोल्फ फील्ड है। दिसंबर जनवरी के महीने में ये पूरा स्नो से कवर होता है। यहाँ पे लोग स्कीइंग करने के लिए आते हैं। विंटर में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अफारवत होटल। चलते हैं अंदर की ओर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कर लिया है चेकिंग। अब दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल रूम। फ्रेंड्स, देखिए कितना खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन। गुलमर्ग में हम लोग वन नाइट स्टे करेंगे। आपको दिखाते हैं रूम से कैसा व्यू आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, रेस्ट करने के बाद हम लोग इवनिंग वॉक करने के लिए बाहर निकले। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। सनसेट टाइम पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम नाइट व्यू भी आपको दिखा देते हैं गुलमर्ग का। अक्टूबर के महीने में ज़्यादा रश नहीं रहता है, विंटर्स में ज़्यादा रश रहता है। गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं होटल वापस। होटल पहुँचने के बाद हमने बहुत डिलीशियस डिनर किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। फ्रेंड्स, आप यहां से हॉर्स राइड भी कर सकते हो या फिर आप वॉक करके भी जा सकते हो। हम लोग तो वॉक करके ही जा रहे हैं, वॉक करने का मज़ा ही अलग है। फ्रेंड्स, ये टैक्सी स्टैंड है, आप यहां से टैक्सी से भी जा सकते हो। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गंडोला एंट्री पे। हमें यहां तक आने में 40 मिनट्स लगे हैं। गंडोला राइड का जो हमारा टाइम है वो 11 बजे का है। हमने पहले एंट्री कर ली है, जो टाइम होता है उससे पहले पहुंचना रहता है। चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं सेकेंड एंट्री पे। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गंडोला के पास। हम लोग फर्स्ट फेज तक ही जाएंगे क्योंकि सेकेंड फेज का हमें टिकट नहीं मिला था।
फ्रेंड्स, फर्स्ट फेज तक आप ट्रैकिंग करके या फिर हॉर्स से भी आ सकते हो। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट फेज पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, खाने पीने का कुछ भी माने खा सकते हो। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं पनोरमा व्यू कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, ये सेकेंड फेस गंडोला है, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शॉल बेचते हुए लोग भी मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आती है तो आप यहाँ से शॉल वगैरह खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, फर्स्ट फेस पे वाटरफॉल है, आप यहाँ पे जा सकते हो ट्रैकिंग करके या फिर आप हॉर्स राइड लेके। ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, बट जब हम लोग गए थे तो शायद आउट सीज़न था तो वहाँ पे पानी थोड़ा कम था। आप देख सकते हो लोग हॉर्स से जा रहे हैं, बट हम लोग ट्रैकिंग करके जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड पूरी तरह से थक चुके हैं। हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हो ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं और यहाँ पे स्नो भी दिखाई दे रही है, घोड़ा भी रेस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर की हट दिख रही है, हमें इससे भी ऊपर जाना है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वाटरफॉल के पास। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है और कितना खूबसूरत लग रहा है। पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।